गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरईसी के रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। पिछले लास्ट लेक्चर तक हमने सिस्टम के बारे में, ठीक है, सिस्टम की टाइप्स के बारे में और इक्विलिब्रियम तक हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या चीज़ है, डिफाइन कैसे करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को? एनी क्वांटिटी, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जो आपके सिस्टम को डिस्क्राइब करे या उसकी स्टेट को आइडेंटिफाई करे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, सपोज करो सिस्टम है आपका कोई भी, ठीक है, तो सिस्टम के बारे में जो चीज़ हमको इन्फॉर्मेशन देती है, अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देती है। सपोज करो सिस्टम को, सिस्टम का 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये कैसे पता चला हमको, टेम्परेचर से पता चला। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या आ गया, एक प्रॉपर्टी आ गई सिस्टम की। ठीक है, इसकी डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या है, ये भी हमको स्टेट ऑफ अ सिस्टम के बारे में बता रही है, डिस्क्राइब कर रही है, तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रेशर है कि आपके सिस्टम का प्रेशर कितना है, ठीक है, तो वो भी क्या आ गया आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सो एनी क्वांटिटी विच डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा गया है, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं हमारी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड मास ऑफ अ सिस्टम। साइज के ऊपर डिपेंडेबल प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स जनरली एग्जैक्ट एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। सपोज करो कलर है, तो कलर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसे, अब किसी चीज के आपने कलर को डिफाइन करना है, ठीक है, सपोज करो गोल्ड है आपके पास, इतना सा गोल्ड है, तो इतने से गोल्ड का कलर भी हमारे पास हमको पता है येलो है, ठीक है, और एक बड़ा सारा पीस ले आऊं मैं गोल्ड का, तो उसका भी कलर येलो ही है। ये तो नहीं कि साइज चेंज हो गया तो कलर भी चेंज हो गया, पता है कि साइज चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, चाहे इतना हो, उसका कलर सेम ही रहेगा हमेशा। ठीक है, सो कलर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपका मास इतना है या इतना है या इतना है। जो चीजें मास के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की देख लेते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन सी है, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर हमारे मैकेनिकल सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रेशर टेम्परेचर, ठीक है, डेंसिटी, ये भी एक क्या है हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये चीज़ें आपकी बॉडी के, आपके साइज के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। सो एक्सटेंसिव क्या हो गया, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, ठीक है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, दैट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो भी चीज़ें आपके साइज के ऊपर, सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंडेबल होंगी, वो होंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मास, टोटल वॉल्यूम, टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर वॉल्यूम आपका ये है, ठीक है, अगर इसका कुछ वॉल्यूम 3 है, 3 मीटर क्यूब है, और एक और क्यूब है, इसका क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया सपोज करो 5 मीटर क्यूब, ठीक है, तो क्या हो गया, साइज पहले इतना था तो इसका वॉल्यूम इतना था, इसका साइज मैंने बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन, इट चेंज एज द साइज ऑफ द सिस्टम चेंज, जैसे ही आपका साइज चेंज हुआ सिस्टम का, तैसे ही आपकी क्वांटिटी भी चेंज हो गई। सो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज।
एक है हमारे पास नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, जिन प्रॉपर्टीज को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसको पर यूनिट में डिफाइन करें, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ है जिसको हम पर यूनिट लेकर डिफाइन करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक वेट, सो स्पेसिफिक वेट क्या चीज है आपका, स्पेसिफिक वेट है आपका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्या होता है ये, स्पेसिफिक वेट हो गया आपका वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां भी आपका पर यूनिट वर्ड यूज आ गया, पर यूनिट वॉल्यूम आ गया आपके नीचे, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो वो क्या चीज होगी, वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी जी। आगे जाकर जब हम ये प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, व्हाट इज अ स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक मास, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हर एक में क्या आ रहा है, पर यूनिट आ रहा है, ठीक है। एक आपने हमेशा चीज याद रखनी है, जितनी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, जितनी भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आप जितनी भी आपकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। जैसे हमने देखा था एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, तो जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा कौन सी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होंगी। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे टाइप्स ऑफ हीट्स वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।